अमेरिका के मिसिसिपी और अलबामा में आए भीषण तूफान की चपेट में आने से करीब 26 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तूफान से मची तबाही में लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, साथ ही लोगों को बिजली की समस्या का भी सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि अमेरिका में इन दोनों शहरों में आए भीषण तूफान ने 160 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई है। क्षतिग्रस्त इमारतों के नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए बचाव कर्मियों की ओर से राहत कार्य चलाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भयंकर तूफान से मची तबाही के बाद मिसिसिपी में इमरजेंसी का ऐलान किया है और तूफान से आए नुकसान के आकलन की बात कही है। राष्ट्रपति बाइडेन ने तूफान प्रभावित क्षेत्र में लोगों की राहत के लिए सामग्री भी भेजी है। भयंकर तूफान से हर कोई सहमा। अमेरिका के मिसिसिपी और अलबामा में आए टॉर्नेडो तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसका मलबा लोगों को दूर से ही 30,000 फीट ऊंचाई तक देखने को मिला। इस दौरान ये तूफान जमीन पर एक घंटे तक रहा, जिससे कई बड़ी बड़ी इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। लोगों के घर इसमें तबाह हो गए। बिजली के तार टूटने की वजह से बिजली की समस्या का भी सामना लोगों को करना पड़ा। ग्रामीण कस्बे सिल्वर सिटी और रोलिंग फोर्क में भी तूफान से भारी तबाही मची है, इससे लोग सहमे हुए हैं। तूफान से हुए नुकसान का कराया जा रहा सर्वे। विदेशी मीडिया के मुताबिक बवंडर ने करीब एक घंटे तक जमकर तबाही मचाई। 274 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के कारण लोग हवा में उड़ने लगे। बड़ी संख्या में मकानों के गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई है। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान कैरोल, हम्फ्रिज, मॉनरो और शार्की काउंटीज में हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिसिसिपी में आए तूफान को दिल दहला देने वाला बताया है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने के काम में तेजी लाने के साथ ही अधिकारियों को तूफान से हुए नुकसान का जल्द से जल्द सर्वे कराए जाने का भी आदेश दिया है। गवर्नर ने प्रार्थना करने की कही बात। तूफान के बाद मिसिसिपी से आई तस्वीरें बहुत दर्द विदारक हैं। इन तस्वीरों में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज होती नजर आ रही हैं। लोग इमारतों के मलबे के ऊपर खड़े होकर तबाही का मंजर देखते हुए पाए गए। गवर्नर टेड रीव ने एक ट्वीट कर कहा, तूफान से प्रभावित हुए लोगों को आपकी प्रार्थना और भगवान की सुरक्षा की जरूरत है। हम अपनी तरफ से राहत और बचाव कार्य कराकर लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को भी दिया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस तूफान से प्रभावित हुए लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। फिलहाल मिसिसिपी में आए इस भयंकर तूफान के बाद रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन कराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इतना भयंकर तूफान उन्होंने कई सालों के बाद देखा है। इससे पहले साल 2011 में मिसौरी जोपलिन में आए तूफान की याद दिला दी। उस समय भी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी और 161 लोगों की मौत हो गई थी। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।